श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जब भी कभी पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत हो तब आपको ये मंत्र मन में बोल देना है। दोस्तों जितना चाहोगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा ही सुनकर आपको बहुत अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे दोस्तों करने से व्यक्ति के जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और व्यक्ति धनवान बन जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा उपाय है जिसे करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है और पैसों की आमदनी होने लगती है। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों साथ में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरुजी कथा से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक तांबे के लोटे की। ठीक है, तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। साथ में आपको लेना होगा दोस्तों एक बेलपत्री, और ले लें एक देसी घी का दीपक जिसमें आपको गोल वाली बाती लगानी है। अब देखिए, आपको जो आपने जल लिया है उस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और साथ काली मिर्च के दाने डाल देने हैं। और इन सारी चीज़ों को आपको किसी भी दिन, जिस दिन शुभ मुहूर्त हो, सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इन्हें अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में लेके चले जाएँ। ठीक है, वहाँ जाकर दोस्तों आपको जो है सबसे पहले शिव जी पर जो आपने बेलपत्र लिया है वो आपको अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र को अर्पित कर रहे हो तब आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, उसका जप करना है। ठीक है, फिर पत्ते के ऊपर ही आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद दोस्तों आपको जो है देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तब आपको अपने मन की कामना, आपके मन में जो भी कोई कामना हो, जो भी मनोकामना हो, उसे आपको अपने मन में बोलना है। फिर आपको दोस्तों दो चार मिनट के लिए शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जप करते रहना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जब अपने घर के लिए आएँ तब आपको शिवलिंग से एक बेलपत्री का पत्ता आपको उठा लेना है। ठीक है, और उस पत्ते को आपको ले जाना है अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास ले आकर दोस्तों आपको उसे पीपल के पेड़ की जड़ में रखाना है और अपने घर आपको चुपचाप चले आना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में फिर आपको कभी भी लगे कि आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तब दोस्तों आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर बस श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का 3 बार जप करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में कहीं से भी पैसा आए, आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा। आपको पैसा दिखने लग जाएगा कि कौन सी जगह से आपको पैसा मिल सकता है। इस उपाय को करने से हमेशा महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ नए नए उपाय और टोने टोटके मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।